कहने का उद्देश्य आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो दूसरों के हाथों के कंट्रोल मत बनिए। पराधीनते के लिए कहा है पराधीन सपनों सुखनाई, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जो दूसरों के अधीन चलता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर आप ठीक है, विज्ञान आपके अधीन चले, साइंटिस्ट अपने आधुनिक चीजों को बनाएं, अच्छी बात है, मानव के विकास में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यही विज्ञान आप पर हावी हो जाए, ये चीजें आप पर हावी हो जाए, आपको कंट्रोल करें कि आप ऐसे चले, आपको निर्देश दें, तो फिर एक दिन यही आपके विनाश का कारण बनेगी। इसलिए इन चीजों पर आपकी कमांड होनी चाहिए। जैसे बैलों को जब बैलगाड़ी जाती है तो क्या होता है, जो लेकर जाता है ना उसके हाथ में उसकी लगाम होती है, वो जहां चाहे दाएं मुड़ाएं बाएं मुड़ाएं, लेकिन अगर लगाम हाथ से छूट गई तो बैलराम जहां जाएंगे वहीं उसको जाना पड़ेगा। तो वैसे ही है, फोन की लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए, कितना उपयोग करना है कितना है। ये चीजें आपको, यही फोन आपको बहुत बड़ा विद्वान बना सकता है और यही बहुत बड़ा मूर्ख बनाकर आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। अब सोचना आपके अधिकार में है। और आजकल मन को बिगाड़ने का सबसे सरल माध्यम तो यही है, इसलिए उपयोग करें, लेकिन एक लिमिट में, एक मात्रा में, जितना आपको चाहिए। कभी कभी यही फोन आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देता है और यही आपको बहुत नीचे गिरा देता है, अपने स्वभाव से भी नीचे गिरा देगा। तो मन का विचारों से, क्योंकि मन से ही विचार निकलते हैं। अब आपने देखा होगा ये फोन जो होता है ये दिखाई देता है और जो उसके अंदर एप्लीकेशन होते हैं वो दिखाई नहीं देते। अब हमारी सब माताएं बहनें सभी उपयोग करती हैं ना, तो उसके अंदर आप बस फोन को ही पकड़ सकते हैं लेकिन उसके अंदर की चीजों को नहीं पकड़ सकते हैं। उसी प्रकार इस शरीर को पकड़ा जा सकता है, ये शरीर हार्डवेयर है लेकिन मन सॉफ्टवेयर है। मन को पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन मन की अनुभूति होती है, मन को आप महसूस कर सकते हैं क्योंकि मन विचार पैदा करता है। कभी कभी लोग पूछते मन कहाँ है, तो लोग यहां कहते हैं, क्या कहते हैं, माइंड को मन कहा गया है ना इंग्लिश में, तो क्या कहते हैं, यहां, यहां ब्रेन है, यहां दिमाग है आपका, जो दिखाई देगा जब जांच करवाओगे तो दिख जाएगा, लेकिन मन जो है ना वो दिखाई नहीं देगा। मन किसको कहा जाता है, कहते ना उसको मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, या मेरा मन आज ठीक नहीं है, ऐसा लोग बोलते हुए सुना होगा, या मैं उसे मन से प्रेम करता था ऐसा सुना होगा, लेकिन मन कहाँ है? मन के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। मन का नाम ही हृदय है, मन का नाम ही दिल है, मन का नाम ही हृदय है। जिसको हम हृदय कहते हैं उसी का ही दूसरा नाम मन है। प्रेम कहां से उत्पन्न होता है? हृदय से। हृदय की भूमिका बहुत बड़ी है, शास्त्रों में मन हृदय को ही कहा गया। आप प्रेम करेंगे अगर आपका हृदय जहां लगेगा, कहते ना मेरा दिल नहीं लग रहा, यानी मेरा मन नहीं लग रहा, मन का नाम ही हृदय है। और ये हृदय क्या करता है, बोले ये हृदय विचार पैदा करता है। अब आपने देखा होगा, आप कथाएं सुनेंगे तो रात में प्रहलाद ध्रुव जी आएंगे, अगर सारे दिन कथा सुनेंगे तो क्या होगा रात में, वही जो आप कार्य कर रहे हैं वही विचार पूरी रात आपके पूरे माइंड में घूमेंगे, पूरे मन के विचारों में घूमेंगे, तो फिर रात में आपको ध्रुव जी, अम्बरीश जी, भक्त प्रहलाद सब दिखेंगे। और दिन में क्रिकेट देखोगे ना तो रात में वो धोनी और विराट ही दिखेंगे आपको, ठाकुर जी नहीं दिखने वाले, क्योंकि आपने मन वहां नहीं लगाया है। जैसे मन को आप लगा देते हैं, मन तदाकार हो जाता है, वैसा ही बन जाता है। इसलिए क्या कहा शास्त्रों ने, मन ही मिलावत राम से और मन ही करात फजीत।